ਐ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਆਮ ਬੁਕੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਸੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਮ ਰੱਜ ਗਈ ਆ ਗੈਸ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੱਲ ਆਤਾ ਹੈ बिजली आती नहीं है बिल आते हैं सर बच्चे जो है ना वो अच्छी तरह पढ़ा नहीं पा रहे यही लगता है वो भी हमारी तरह मजदूरी करेंगे बेचारे रुलेंगे जेड़ा बंदा मुलखा ते बेहतर हुंदा ना मुलखा ते बेहतर पट्टो आया पट्टो नु नहीं इना छड्या ओदो बाद आया लीडर आया जिनु इना जेल ते सोटता ऐ शबाज शरीफ दा दुश्मन रहेगा इमरान खान था मैं इतना परेशान था पूरी दुनिया परेशान थी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुजम्मिल अवान डी अंगामा के इस खसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी आई साहब क्या करते हैं मैं जी रिक्शा ड्राइवर हूँ भाई अच्छा आई साहब गुर्बत बड़ी हो गई है एक गरीब आदमी जो है गुर्बत की चक्की में बड़ी बुरी तरह पिस चुका है लोग रो रहे हैं दो वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही लोगों के घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया क्या कहना चाहते हैं भाई जान हमें जो चीज़ें मार दे रही है ना वो है टैक्सेस जो बगैर वजह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हमें जो पे करने पड़ते हैं टैक्स के पैसों पर जो सारा कुछ हो रहा है ये ठीक है ये सारी जो भी काम हो रहे हैं ये सारे आवाम के टैक्सों पे हो रहे हैं क्रेडिट ये खुद ले रहे हैं और ऊपर ये जब कर्जा लेते हैं ऊपर ये कहते हैं ये आवाम पे कर्जा हर बंदा कर्जा ही है आवाम में अगर ये कर्जा आवाम को देते हैं तो आवाम कर्जा ही है कर्जा लिया 1200 ने हमें तो नहीं दिया क्या हमें दे दिया तो फिर हम कर्जा ही कैसे हो गए हमें तो इन लोगों ने खुद टैक्स डाल डाल के कर सही किया हुआ है जितने हुक्मरान आए हैं जब ये इक्तदार में आते हैं उस वक्त इनकी तरजीहात कुछ होती हैं वोट लेने आते हैं तब कुछ और तरजीहात होती हैं ये बताएं कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है ये महंगाई कंट्रोल होती नज़र आ रही है आगे क्योंकि मियाँ साहब कह रहे हैं जब इक्तदार में आऊँगा तो मुल्क की तकदीर बदल दूंगा और हालात बेहतर हो जाएंगे तो उससे पहले महंगाई हो रही है ये सब कुछ कैसे ठीक होगा भाई जान ये सारे चोर हैं ये जब आते हैं अपने पेट पर हाथ मारते हैं आपका मेरा कोई नहीं सोचता ठीक है हम गरीब लोग हैं गरीब ही रहना हमने कौन बेहतर था इमरान खान भी आए शहबाज शरीफ भी आए अब नवाज शरीफ साहब पहले भी आए अब भी आ जाएंगे इन हुक्मरानों में बेहतर कौन है जो डिलीवर कर सकता ये सारे खबीस है बेहतर कोई भी नहीं है इनमें मेरा वीर जिन्हें भी ऐ सारे मजदूर ने ये मुसलमान भरा है मुसलमान जरा भाई भाई होता है ये सारे मुसलमान मेरे भाई ने किसी को 8 दिन हो गए वेले को किसी को हफ्ता किसी को 4 दिन है जो सियासतदान है ना इन्हां कोलों वाम रच गई आ जो भी किया इन्हां मुल्क ने बहुत सुथरा तो अच्छा काम किया तुहानू किसे नाल कोई उम्मीद नहीं सानू इन्हां कोई उम्मीद नहीं जिहड़ा बंदा फिर किहड़ा बंदा इक्तदार च आएगा सुन जिहड़ा बंदा मुलखा ते बेहतर हुंदा ना मुलखा ते बेहतर पट्टो आया पट्टो नू नहीं इन्हां छड्डिया उदों बाद आया लीडर आया जिन्हूं इन्हां जेल च सुट्टता वाम आदे बेहतर लीडर इमरान खान नू इमरान खान बहुत वाम आदे लीडर अच्छा इमरान खान दे दौर च काम सही सी हां जी किन्नी दिहाड़ी मिलदी सी ओदे दौर च दिहाड़ी 1500 भी लगदी थी 2000 कारोबार जेड़ा करोना पूरी दुनिया ते आया थी करोना दे विच उहने मुल्क नहीं जाम होण दित्ता शहबाज शरीफ जेड़े 16 महीने हुकूमत करके गए ने गरीब आदमी कह रहे कड़ाके निकल गए ने महंगाई दे ते महंगाई ने रिकॉर्ड कायम कर दित्ता की कहना चाहंदे हो इहदे 16 महीने का काम की हुकूमत इमरान खान पूरी टाइम कर देता यार गल ओनू पूरा 5 साल घूम शहबाज शरीफ का दुश्मन है जी एक और जनाब खड़े हुए हैं इनसे पूछते हैं जी सर क्या कहना चाहते हैं लोग तो महंगाई के ऊपर जो है बड़ा वावेला कर रहे हैं गरीब आदमी जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है बहुत गुर्बत हो गई है हालात इन हालात में जीना मुश्किल हो गया एक मजदूर आदमी के लिए आप खुद मजदूर हैं क्या कहना चाहते हैं फिलहाल तो मैं यही कहूँगा ठीक है कि ये जो हमने महंगाई का ढिंडोरा पीटा हुआ है ना हमने अपनी जातियात की जो अखराजात उनको बढ़ा रखा हुआ है ये जब से पिछले 7 से 8 साल में ये जो महंगाई का लोग रोना रो रहे हैं इसमें आपका घर का सर्किट कितना डिस्टर्ब हुआ मेरा सर्किट डिस्टर्ब कभी नहीं हो सकता अल्लाह के हुक्म से कभी नहीं हो सकता क्यों कि मैंने अपनी चादर के हिसाब से चलता हूँ मैं जो मुझे ज़रूरियात चाहिए ज़रूरियात से ज़्यादा नहीं ठीक है जो मुझे घर के निज़ाम के लिए चाहिए वो मिल जाता है अल्लाह के हुक्म से ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ उसके बाद को लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम हुआ यार उसकी तो बात ही ना करें इनको गवर्नमेंट्स को अगर बात करेंगे ना तो गवर्नमेंट को स्वायत्त चंद एक चीज़ों के अलावा याद ही नहीं है कि ये आवाम है आवाम भूखी मर रही है प्यासी मर रही है इतने % इन्होंने लगा दिए हैं गैस आती नहीं है बिल आता है बिजली आती नहीं है बिल आते हैं ठीक है मगर करना है देना पड़ेगा कोई एक बंदा इनकार ही करके तो दिखाए अच्छा आप माशाल्लाह समझदार बंदे हैं और आप हालात को बेहतर समझते हैं लोगों का कहना है कोई कह रहा है इमरान खान के दौर में महंगाई थी कोई कह रहा है शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई थी अब चले बात कर लेते हैं मियाँ साहब की
अब मियाँ साहब कह रहे हैं मैं इकतदार में आऊँगा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, गरीब खुशहाल हो जाएगा। मियाँ साहब अगर आते हैं इकतदार में तो कैसे डिलीवर करेंगे गरीब आदमी के लिए, वो क्या नैरेटिव लेकर आएंगे? यार मैं मियाँ साहब की बात तो नहीं करूँगा। 2003 में मैं सऊदीया में था, एक शख्स ने कॉल की चौधरी शुजात साहब को ऑनलाइन, मेरे जो सर, हाँ जी सरबराह है, तो क्वेश्चन किया जी आप इतनी दफ़ा इकतदार में रहे हैं तो आपने क्या किया क्या नहीं किया। वो मुशरफ का दौर था। तो चौधरी साहब ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत सा। उसने कहा यार ये हम पागल हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब आपको किसी से कोई उम्मीद? उम्मीद है किस से? मैं अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखता ही नहीं मैं। हाँ जी, की करते हो? मजदूरी करते हो, वेले बैठे हो, की गल है मायूस हो गए हो? बड़े मायूस नजर आ रहे। महंगाई उत्ते सिर ते चढ़ी पई है, कारोबार है नहीं। अच्छा। आप मजबूत है, लंगा लुंगा लाभ के रोटी खा ला। की काम करते हो? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी च की करते हो? खुदाई करते हो? हां जी खुदाई। की दिहाड़ी की है गया? की दिहाड़ी ते की मिलदा है? दिहाड़ी 3000 रुपए दिहाड़ी कोई नहीं देना। आप मांगते हैं 1200 ते 800 ते जाने। गुजारा हो रहा है? घर का बिजली के बिल ने, घर के अखराजात ने, बच्चों की तालीम का खर्चा है पूरी करता है जी। हूँ बंदे वास्ते कौन? अल्लाह पाक। रोटी कंज खाते हो? तीन वक्त की रोटी नहीं, एक टाइम रोटी खा सकते हैं, दो टाइम नहीं खा सकते। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। शहबाज शरीफ साहब 16 महीने हुकूमत करके गए ने, गरीब आवाम के कड़ाके निकल गए ने। इमरान खान साहब को असी क्रेडिट नहीं दे रहे, असी कहने उन्होंने दौर च भी बड़ी महंगाई सी। सारे हुक्मरान दावे करते हैं आके महंगाई कंट्रोल करांगे, किंदा दौर बेहतर सी? दौर बेहतर सी जा यूब दा, जा भुट्टो दा। अच्छा। दौर दौर वेखे।